साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों की ओर। चैत नवरात्रि पर वाराणसी को 1800 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी, रोपवे का करेंगे शिलान्यास। मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल पर वार, कहा बोले भाजपा से नहीं भारत से माफी मांगे राहुल गांधी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले देश को तोड़ने वालों की जगह जेल में राहुल गांधी को बताया गैर जिम्मेदाराना। अखिलेश यादव ने भाजपा पर किया कड़ा प्रहार, बोले भाजपा को जो हरा सकता है उनके खिलाफ सीबीआई ईडी की छापेमारी चल रही। मोहन भागवत के कार्यक्रम में मंत्री के सामने रोई महिला, बोली मेरे पति आरएसएस से थे, पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या हुई, सुनवाई नहीं हो रही। लखनऊ कानपुर में बारिश, 36 शहरों में अलर्ट, वाराणसी में देर रात ओले गिरे, 24 घंटे में यूपी में 1.9 मिलीलीटर बरसात का रिकॉर्ड। दलित महिला की अर्थी बनाने से बढ़ाई का इनकार, गांव के 3 बढ़ाई नहीं माने तो पुलिस ने दूसरे गांव से बुलवाया, तब जाकर हुआ अंतिम संस्कार। आगरा में पकड़ी गई 25 लाख की शराब, कैंटर में छिपाकर बिहार लेकर जा रहा था ड्राइवर, बिल मांगने पर दवा का पर्चा थमाया। रेलिंग तोड़ते ओवरब्रिज से 20 फुट नीचे गिरा ट्रक, हादसे में 3 की मौत, 2 घायल, चालक को नींद आ जाने के कारण हुआ हादसा। झांसी में बदमाशों ने मचवाए कोहराम, 10 दिन में 2 डकैती डाली, लूट चोरी की 10 से ज्यादा वारदातें, सुरक्षा के दावे फेल। मुरादाबाद पुलिस के लिए 12वीं की छात्रा का सुसाइड नोट, लिखा सर मैंने और मेरे पिता ने हर जगह फरियाद की लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उन्नाव में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, गेहूं की फसल खेतों में गिरी, सरसों की कटी पड़ी फसल भी हुई बर्बाद। जालौन में जारी है ऑपरेशन लंगड़ा, मुठभेड़ के दौरान 5 अंतरजनपदीय बदमाश गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली। उन्नाव में युवती की गोली मारकर की गई हत्या, आरोपी 24 घंटे बाद भी गिरफ्त से दूर, झाड़ियों में मिला था युवती का शव। बेटी की इज्जत के लिए खूनी बना पिता, बरेली में सौरभ हत्याकांड, कातिल तेजपुरी बोला बेटी के साथ ये देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। आगरा में सहकारी समितियों पर भाजपा की जीत, सभापति और उपसभापति के पदों पर भाजपा का कब्जा। बस्तियों तक पहुंचेगी आरएसएस की शाखाएं, प्रयागराज में 196 मंडल और 353 बस्तियों में संघ की दस्तक, प्रांत प्रचारक ने दी जिम्मेदारी। नोएडा में कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क, सक्रिय मरीजों की संख्या 26 पहुंची, 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया। गोरखपुर पुलिस में एसएसपी ने किया बड़ा फेरबदल, 6 सीओ और 15 थानेदार बदले, 5 से छिनी थानेदारी, 4 नए को मिले जिम्मेदारी। करण के चपेट में आने से युवक की मौत, बचाने आई मां भी झुलसी, बलिया से वाराणसी रेफर, 9 दिन पहले ही हुई थी शादी।
मिर्जापुर में कोचिंग सेंटर में हमला करने वाला छात्र गिरफ्तार। नाबालिग को पुलिस ने भेजा बाल सुधार गृह। दो छात्रों में हुई थी मारपीट। सुल्तानपुर में पुलिस 7 बदमाशों के बीच मुठभेड़। दो गिरफ्तार। नारकोटिक्स के सामान बरामद। रीशु सिंह गैंग के एक्टिव मेंबर। संबल में कोरोना पॉजिटिव मिली महिला। स्वास्थ्य विभाग ने महिला को किया होम आइसोलेट। वहीं डॉक्टर बोले 6 महीने बाद मिला पहला केस। महोबा में हिट एंड रन केस में 4 घायल। सड़क किनारे सब्जी बेच रहे 3 ठेले वाले को मारे टक्कर। लेखपाल भी आया चपेट में। कुएं से पानी लेने को लेकर चौले लाठी डंडे। दो महिलाओं सहित 8 लोग घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों का मेडिकल कराया। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर पशु तस्करों ने झोंका फायर। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में बड़े भाई की मौत। छोटे भाई को अस्पताल में कराया भर्ती। खड़ी ट्रक में बाइक लेकर घुस गया था। फिरोजाबाद में फंदे पर लटका मिला कपड़ा व्यापारी का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया में सड़क किनारे खून से लथपथ मिले 2 युवक। स्थानीय लोगों ने घायलों को CHC में कराया भर्ती। आजमगढ़ में DM ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण करने के दिए आदेश। सुल्तानपुर में पुलिस 7 बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल। संबल में गुंडों के हौसले हुए बुलंद। गुंडों के भय से पलायन करने को मजबूर हुए परिवार। रायबरेली के रेल कोच में तैनात श्रमिक ने लगाई फांसी। श्रमिक का शव मिलने से ग्रामीणों में मचा कोहराम। रायबरेली में गैंगरेप की शिकार हुई पीड़िता की हालत बिगड़ी। मौके पर पहुंचे पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम। कुशीनगर में निशुल्क दांत जांच शिविर का हुआ आयोजन। टूथपेस्ट और दवाओं का भी हुआ वितरण। कुशीनगर में वृद्ध की हत्या से मचो हड़कंप। पुलिस ने हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में धन्यवाद जनसभा का हुआ आयोजन। आयोजन में समाज कल्याण मंत्री का हुआ भव्य स्वागत। कानपुर देहात में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पकड़ी गई अवैध शराब को किया गया नष्ट। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में चारपाई में लगी आग। आग लगने से सो रही मां बेटी गंभीर रूप से झुलसी। मासूम ने तोड़ा दम। मां का इलाज जारी। चंदौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से फाइल चोरी का मामला। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने नोटिस किया जारी। बस्ती में महिला की गला रेत कर हत्या। घटना की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। औरैया में पाल समाज का वार्षिक और प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न। पाल समाज के अध्यक्ष ने युवाओं से की अपील।
औरैया में साधन सहकारी समिति का चुनाव पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ संपन्न। मणि पालीवाल चुने गए निर्विरोध अध्यक्ष। औरैया में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, टक्कर लगने से 3 युवक हुए घायल। अलीगढ़ में माहौल खराब करने का किया गया प्रयास। सपा के पूर्व विधायक ने बीजेपी नेताओं पर लगाया आरोप। अलीगढ़ में एएमयू छात्र की पिटाई का मामला। पिटाई को लेकर छात्रों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ में अराजक तत्वों ने मंदिर में की तोड़फोड़। प्राचीन मंदिर में शिव परिवार को किया गया खंडित। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश। अलीगढ़ में खेतों से निकलने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। कई लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। उन्नाव में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। युवक ने पत्नी और 4 महीने की मासूम को कुल्हाड़ी से काट कर उतारा मौत के घाट। श्रावस्ती में चुनावी रंजिश को लेकर प्रधान समर्थकों ने बरसाई लाठियां। बाजार में सरेआम लाठी डंडे से युवक की प्रधान समर्थकों ने की पिटाई। लखनऊ में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। जिन बूथों पर कम मिले वोट वहां बढ़ाई जाएगी सक्रियता। लखनऊ के केजीएमयू के लॉरी कार्डियोलॉजी में भरा पानी। मरीज और तीमारदार को हो रही काफी दिक्कतें। लखनऊ के एलडीए में जनता अदालत के दौरान बुजुर्ग से बदसलूकी का मामला। 4 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में मौसम ने ली करवट। बिन मौसम हुई बरसात। बारिश से किसानों में हताशा। बारिश से फसलों को हुआ भारी नुकसान। कुशीनगर में सभासद ने घर में रखे लाइसेंस से बंदूक से खुद को मारी गोली। हुई मौत, डिप्रेशन का शिकार था मृतक। कन्नौज में गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी पर पलटा आलू से लदा ओवरलोड ट्रक। हादसे में 1 सिपाही की मौत, 2 घायल। बुलंदशहर में राशन कम देने को लेकर ग्रामीणों ने की डीलर की शिकायत। डीलर के पास पहुंचे ग्राम प्रधान को डीलर ने दिखाई दबंगई। प्रयागराज में अब स्टेशनों पर 24 घंटे मिलेंगे डॉक्टर। प्रयागराज समेत कानपुर और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहले मिलेगी सुविधा। हापुड़ पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। हापुड़ तक मेट्रो चलाने का उठाया गवर्नर के समक्ष मुद्दा। जिले में मेडिकल कॉलेज समेत 6 की मांग। बदायूं में सीढ़ियों से गिरकर युवक की हुई मौत। सीढ़ी गीली होने से फिसला युवक का पैर। हमीरपुर में हाईवे पर पलटा ट्रैक्टर। हादसे में किशोरी की हुई मौत। ट्रैक्टर में लदा था सरिया। डिवाइडर तोड़ झोपड़ी में घुसा डंप पर 2 मासूमों की मौत। सड़क किनारे झोपड़ियों में सो रहे थे सभी मां बेटे की हालत गंभीर। बुलंदशहर में सहकारी समितियों पर हुए चुनाव। 10 समितियों में निर्विरोध चुने गए पदाधिकारी।
कौशाम्बी में कतार में चल रहे ट्रक आपस में टकराए। पीछे चल रहे ट्रक के ड्राइवर की मौके पर मौत। ओडिशा से लोहा लाद कर फतेहपुर जा रहा था ट्रक। डीएम ने अमेठी तहसील का किया वार्षिक निरीक्षण। निरीक्षण में सब कुछ मिला चुस्त और दुरुस्त। जर्जर बिल्डिंगों को लेकर एसडीएम को दिए निर्देश। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, हुई मौत। सीतापुर में प्रश्न पत्र लेकर जा रहा वाहन डिवाइडर से टकराया। बोलेरो चालक की मौत, अन्य साथी घायल। बारिश के चलते अनियंत्रित हुआ वाहन। रायबरेली में 24 घंटे से अंधेरे में डूबा गांव। धू धू कर जला ट्रांसफार्मर। पास में खेत पर पड़ी थी पकी फसल। मरम्मत में जुटे कर्मी। रायबरेली में 45 वर्षीय महिला के साथ हुआ दुष्कर्म। पीड़िता का बेटे ने पुलिस पर लगाए आरोप कि पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। महराजगंज में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 43 लोगों ने 93 यूनिट का किया रक्तदान। लगातार 13वीं बार रक्तदान कर सुरेश त्रिपाठी हुए सम्मानित। बस्ती में 3 शातिर चोर हुए गिरफ्तार। 7 लाख रुपए से अधिक मूल्य के जेवरात सामान बरामद। बंद घरों को बनाते थे निशाना। सुल्तानपुर सरकारी अस्पताल में मिलती प्राइवेट एम्बुलेंस की सेवा। हॉस्पिटल कैंपस में बना है स्टैंड। तीमारदारों का हो रहा दोहन, स्वास्थ्य अधिकारी मौन। फतेहपुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का इलेक्ट्रिक का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। कानपुर में पिता ने नाबालिग बेटी को मारा। अफेयर के शक में पहले जमकर पीटा, फिर मोबाइल का डेटा केबल से घोटा गला। शाहजहांपुर में 2 बाइक चोर हुए गिरफ्तार। चोरों के पास से फर्जी नंबर प्लेट और असलहा बरामद। की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।